नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ फेमस इपिथेल की, जो कि मतलब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं इपिथेल होता क्या है। इपिथेल वो होता है दोस्तों कि जो कि इसका एक विशेषण, इसका एक वर्ड होता है, इसको मतलब आप जो इस नाम से वो जाने जाते हैं, इसको विशेषण बोलते हैं या उपशब्द इसको बोला जाता है, तो इसकी बात करेंगे आज हम। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा ये वर्ड है, लेकिन पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी इस तरह के जीके मैं आपको बताता रहूं हमेशा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपको एग्जाम में मिला भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल सोरो, बंगाल की खाड़ी का मतलब जो बंगाल सोरो इसको बोलते हैं, वो दामोदर रिवर को बोला जाता है दोस्तों। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी हिल्स को बोला जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सात हिल्स का जो सिटी है वो रोम कहलाता है, रोम सात। यहाँ फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट का भी सैन फ्रांसिस्को में है, तो सिटी ऑफ सेवन हिल्स और सिटी ऑफ गोल्डन गेट, यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। सेवन से रोम याद रखिएगा, गोल्डन से सैन फ्रांसिस्को। तो ये काफी बार पूछा गया है। चाइना सोरोस हवांग हो, देखिए बंगाल सोरो समुद्र है, लेकिन चाइना का सोरो हवांग हो है, ये भी एक रिवर है। डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। गार्डन सिटी बैंगलोर, ये तो जानते ही होंगे आप। फॉरबिडन सिटी लीसा है, कहा है जो तिब्बत में है। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक ओशन में है, हालांकि ये सब कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है हैरिंग हैंड, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ। और ग्रेनाइट सिटी जो बोलते हैं वो भी बेंगलोर में है दोस्तों। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, क्लोव्स सब जानते होंगे, लॉन्ग शायद कहते हैं, वो बहरेन में है। की टू द मेडिटेरियन, गिब्राल्टार में है दोस्तों, मेडिटेरियन का की जिसको बोलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्रीज ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया, मॉर्निंग काम कोरिया इस तरह याद रखिएगा। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लैक फिनलैंड, फिनलैंड में थाउजेंड लैक्स है, इसलिए थाउजेंड लैक्स बोला जाता है। लैंड्स ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड, थाईलैंड लैक, ये तो काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, अगर आप एग्जाम बैठे होंगे बहुत सारे, तो लैंड ऑफ व्हाइट लैंड ये तो पूछता ही, इसको इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आप इसको याद मतलब 100% को याद करिएगा। लैंड ऑफ व्हाइट लैंड थाईलैंड। सी ऑफ माउंटेन्स ब्रिटिश कोलम्बिया, नेवर नेवर लैंड, ये वास्ट पेरिसिस ऑफ एन, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर बैटल फील्ड ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ पैलेसेस कलकत्ता को बोला जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। सिटी ऑफ स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स ऑक्सफोर्ड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम बोलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप कॉकपिट। डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ के लोग थोड़े से डार्क होते हैं। एमराल्ड आइलैंड, इमराल्ड जो एक इमराल्ड एक पत्थर का नाम है दोस्तों, इमराल्ड तो ये आयरलैंड में है। इटरनल सिटी रोम, गेटवे ऑफ इंडिया तो बॉम्बे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट, नाइल रिवर है, नाइल काफ़ी बड़ी नदी है, वो इजिप्ट में है, ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। हर्मिट किंगडम कोरिया में है। होली लैंड पैलेस्टाइन में। आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में। इजले ऑफ स्प्रिंग जमाइका में। लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो 100% फिर से याद करें। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश बारबाडोस। लैंड ऑफ मिड नाइट सन नॉर्वे, ये देखिए ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ ये सब याद कर लीजिए। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है, तो इसे प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा और किसी तरह से। और भी इस तरह के जीके के ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।